अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे आ गए हैं। ये स्लीवलेस स्वेटर डिजाइन है 5 से 7 साल के बच्चों की। इस स्वेटर को बनाने के लिए आप 65 से 70 फंदे डाल सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप जानना चाहते हैं डिजाइन कैसे बनेगा तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस डिजाइन के सैंपल का लुक बनने के बाद इस तरह से आएगा। ये सैंपल हमने आपको 25 फंदों में डाल के दिखाया है और 8 सिलाई में जाके ये डिजाइन हमारा ओवर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पे। पहली सिलाई सीधी तरफ से उल्टी बनाई जाएगी। शुरू के 10 फंदे हम प्लेन उल्टे बनेंगे। देखिए इस तरह से 10 फंदे उल्टे बुनने के बाद स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊन को हम हमारे तरफ ही रखेंगे। उसके बाद इन 2 फंदों को पीछे से इस तरह से हम सिलाई में अटकाएंगे और ऊन को बहुत ध्यान से देखिए, ऊन को हम इस तरह से अपने तरफ रख के 2 का 1 कर देंगे। इसके बाद 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे और इसके बाद ऊन आगे ला के 10 फंदे हम उल्टे बुन देंगे। और इस तरह से 10 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमारी पहली सिलाई ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई को हमें उल्टी तरफ से प्लेन उल्टा बुनना होगा। उल्टी सिलाई बनाते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना होता है सिलाई का मुंह हमेशा हमारे अंदर की तरफ रहे। एक और बात का ध्यान दें, इस सिलाई को आप बहुत ध्यान से देखें क्योंकि इस डिज़ाइन की सारी उल्टी सिलाइयाँ दूसरी सिलाई के जैसे ही बनाई जाएगी। एक और बात, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, प्लीज़ आप उस पर क्लिक करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियोज़ जो भी हम अपलोड करें वो आपसे मिस ना हो। और देखिए इस तरह से दूसरी सिलाई कम्प्लीट करके हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 10 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और इस तरह से 10 फंदे उल्टे बुनने के बाद हम ऊन को पीछे ले जाएंगे। जो जाली वाला फंदा है उसे हम सीधा बुन देंगे। इसके बाद प्लीज़ वापस स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, ऊन आगे लाए। यहाँ पे हमारी फली बन रही है तो हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। इसके लिए हम इन 2 फंदों को सिलाई पर इस तरह से लेंगे, ऊन को आगे ही रखेंगे और ऊन को इस तरह से लपेटते हुए 2 का 1 कर देंगे। ऊन को इस तरह से लपेटने से हमारा एक फंदा बढ़ गया तो हमारे 2 के 2 फंदे रहे। इसके बाद 2 फंदे प्लेन सीधे बुनेंगे और इसके बाद ऊन आगे लाके 10 फंदे उल्टे बुन देंगे। इस तरह से हमारी तीसरी सिलाई भी ओवर होती है। इसके बाद चौथी सिलाई आपको दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी। अब हम आते हैं पांचवी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 10 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। और देखिए इस तरह से 10 फंदे उल्टे बुनने के बाद ऊन को पीछे ले जाएंगे और 2 फंदे प्लेन सीधे बुन देंगे। इस तरह से 2 फंदे सीधे बुनने के बाद ध्यान दीजिए हमारी यहाँ पे जाली आ गई है तो ऊन आगे लाके 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे, उसी तरह से जिस तरह से हम अभी तक करते आए हैं। तो इस तरह से जाली में हमने 1 फंदा बढ़ा लिया है, फिर हम 1 फंदा प्लेन सीधा बुनेंगे, उसके बाद ऊन आगे लाके 10 फंदे उल्टे बुन देंगे। और इस तरह से हमारी पांचवी सिलाई भी ओवर होती है। इसके बाद छठी सिलाई आपको दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी। अब हम आते हैं सातवीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 10 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस तरह से 10 फंदे उल्टे बुनने के बाद ऊन पीछे ले जाके 3 फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। ध्यान दें ये जाली वाला फंदा भी प्लेन सीधा बुना जाएगा। उसके बाद ऊन आगे लाके 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हमने इन फंदों को सिलाई पर अटकाया और इस तरह से ऊन को लपेटते हुए 2 का 1 कर दिया। और इसके बाद ऊन आगे लाके 10 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद आठवीं सिलाई आपको दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी और नवी सिलाई वापस पहली सिलाई के जैसे रिपीट होते जाएगी।
और इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपके पूरे स्वेटर को कंप्लीट करना होगा। पूरे स्वेटर के कंप्लीट होने के बाद का फाइनल लुक किस तरह से आएगा, और यहीं पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड बाय।